Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि राजपूती साडेड सूट में लहंगे में अस्तर की कटिंग किस प्रकार की जाती है, वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाले वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो ये इसमें ये 12 कलियां है और 4-4 कलियां आपस में जॉइंट की हुई आई है और ये 3 कलियां हैं, 1, 2 और 3। ये तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि कपड़े को इस तरीके से जमा देना है, इसको पूरा ऐसे हमें जमा देना है। और बाद में क्या करना है कि जो ये कपड़ा है, जो ऊपर वाला कपड़ा है, अस्तर के ऊपर वाला कपड़े को इस प्रकार से हमें जमा देना है। अब हमें इसको सही तरीके से सेट कर देना है, कहीं पे कपड़ा फोल्ड हुआ है इसको ऐसे सही कर देना है। इस प्रकार से हमें जमा देना है, ऐसे हमें सेट कर देना है। और निचला जो साइडेड अस्तर है वो बाद में कटिंग होगा, ये पहले कट हो जाएगा। इसके ऊपर ये जो हरे कलर का शेडेड है, डबल कलर है, वो इसके ऊपर सेट होगा, वो इसके बाद में कटिंग की जाएगी। तो अब हमें यहाँ से इस प्रकार से कटिंग कर देनी है मार्जिन छोड़ते हुए। इस प्रकार से अब हम साइड की कटिंग कर देंगे, इस प्रकार से 1 इंच साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है ताकि बाद में जब सिलाई करते हैं उसमें कम ज़्यादा ना हो, इसलिए हमें ज़्यादा ही कट करना है। इस प्रकार से अब हम इसी प्रकार से दूसरी कली, ये जो तिरछा भाग कट हुआ है इसके अंदर हमें कट करना है ताकि कपड़ा हमें ज़्यादा ना लगे, वेस्ट भी ना हो, इसलिए हमें इसको ऐसे साइड में जो तिरछा भाग है वहाँ पे इस प्रकार से हमें सेट कर देना है। अब हमें यहाँ से कट कर देना है, इसको भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए यहाँ से कट कर देना है। इसी प्रकार से इसी साइड में भी ऐसे हमें कट कर देना है और यहाँ से कट कर देंगे हम। ये हमारे 2 कलियाँ कट हो गई है, अब हमें 1 और कली कट करनी है। इसको ऐसे हमें जमा देना है, इस प्रकार से हमें जमा देना है कपड़े को। अब हमें यहाँ पर के ऊपर रखनी है इस प्रकार से, सही तरीके से सेट कर देंगे। अब हम यहाँ से कट कर देंगे इस प्रकार से, अब हम साइड से कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया है। अब हम जो नीचे का अस्तर है डबल कलर, वो हमें कट करना है। वो हरे कलर का गार्डन है, वो हमें पहले 1 भाग लेना है। अब हमें इसको गार्डन को डबल में जमा देना है ताकि हम एक साथ 2 कली का अस्तर कट करेंगे। इस प्रकार से ऐसे हमें जमा देना है। अब हम कली को ऊपर रखनी है, अब हमें
चौक से निशान लगा देंगे जहाँ पे कलर शेडेड कलर है, वहाँ पे जो डबल कलर का किनारे पे हमें इस प्रकार से हमें निशान लगा देना है। और अब हम यहाँ से हटा देंगे और जहाँ पे निशान लगे हुआ है वहाँ पे इस प्रकार से हम कट कर देंगे और नीचे से भी हम गोलाई में जहाँ पे हम निशान लगे थे वहाँ से कट कर देंगे। ये हमारा दो भाग कट हो जाएगा और एक भाग एक और कट कर देंगे और ये तीनों को लेके एक ही नाप के नीचे के अस्तर है क्योंकि ये एक साथ ही इसकी रंगाई की जाती है। आप चाहे तो अलग अलग भी कट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक और अस्तर कट कर देंगे जो पहले हम भाग कट किया था उसको इस प्रकार से ऊपर रखना है। किनारी है वो यहाँ पे किनारी पे रख देंगे इस प्रकार से मारने के बाद में ऐसे हम कट कर देंगे। इस प्रकार से हमने कट कर दिया है। ये हमारे तीनों कली का अस्तर कट हो गया है। अब हमें इसमें जो ये कली है पहले हमें कट की थी इसके ऊपर पहले ये अस्तर को जॉइंट करना पड़ेगा। इसके ऊपर अस्तर रख के और बाद में इसके ऊपर सिलाई लगानी पड़ेगी, इसको फिट करना पड़ेगा। यहाँ पे इस प्रकार से रखना है और बाद में इसके ऊपर एक सिलाई लगानी पड़ेगी और बाद में इसका अस्तर के ऊपर जो प्योर कपड़ा होता है वो फिट होगा। इसको इस प्रकार से अब इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पर ऊपर सिलाई लगा देनी है और इसके बाद में इसको ऐसे रख के और ऊपर सिलाई लग जाएगी। आप इस प्रकार से राजपूती शेडेड पोशाक के लहंगे में अस्तर की कटिंग कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।